तैयार हो जाइए एक्शन पैक हफ्ते के लिए। लेकिन एक्शन पैक हफ्ते की शुभ शुरुआत नवरात्रि पर्व के साथ। आप सभी को नवरात्रि उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और संदीप आपको भी ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग, हमारे सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि जो जश्न है, जैसा माहौल है कल जो देश भर में शुरू हुआ है, वो जश्न, वो जो माहौल है, वो मार्केट्स में भी देखने को मिले। बिल्कुल, लेकिन ग्लोबल मार्केट से ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। हाँ, थोड़ी सुस्ती, थोड़ी कमजोरी के साथ शायद वो नवरात्रि नहीं मनाते हैं बिल्कुल ठीक कहा आपने, थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत की बात जरूर देखने को मिल रही है। चलिए वो डिस्कस करेंगे, पहले एक बार ट्रिगर्स देख लेते हैं किस तरह के हैं मार्केट्स के लिए। पहले चार ट्रिगर्स की बात करते हैं, जो अहम ट्रिगर्स हैं जो आज के दिन बाजार के ऊपर काफी ज्यादा हावी होते हुए दिखेंगे। ग्लोबल मार्केट से आज कमजोर संकेत है, जैसे हम बातचीत कर भी रहे हैं। दूसरी बात, यूएस चीन के बीच बढ़ेगा ट्रेड वॉर, ट्रेड वॉर को लेकर क्या गतिविधियां हैं वो भी हम समझेंगे। तीसरी बात है, पीसीए में लक्ष्मी विलास बैंक को पीसीए की श्रेणी में डाल दिया गया है आरबीआई की ओर से, तो एक्शन बढ़ता हुआ दिखेगा। और चौथी बात है, और आपके लिए, मेरे लिए, किसी भी निवेशक के लिए बहुत अहम है, कि आज से आईआरसीटीसी का आईपीओ खुलने जा रहे हैं, इसमें भी आपको क्या करना है इसके ऊपर भी फोकस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो पहला ट्रिगर आपकी स्क्रीन पे है वो है ग्लोबल मार्केट्स। ग्लोबल मार्केट्स थोड़े से आज कमजोर नजर आ रहे हैं, खासतौर पर जो ट्रेड वॉर को लेकर बातचीत है, जो बयान निकल के सामने आ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट अगर आप एसजेक निफ्टी पे देखिए तो आपको हल्की जो गिरावट है वो एसजेक निफ्टी की स्क्रीन पे फिलहाल देखने को मिलेगी। पहले एसजेक निफ्टी अगर हम देख पाएं कि किस तरह का एक्शन देखने को मिला है, तो 5 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। अनिल जी, जब शुरुआत हुई थी तो एसजेक निफ्टी हम देख रहे थे कि 11,570 के नीचे भी फिसल गया था, निचले स्तर से अच्छा रिकवर हुआ है। हाँ, तो ये जो ट्रेड वॉर को लेकर बातचीत है, पूरा जो बयान निकल के सामने आ रहे हैं कि चाइना में जो चाइना में निवेश जाता है यूएस की कंपनी का, वो बंद हो सकता है। इनफैक्ट बातचीत तो ऐसी भी है, हालांकि प्रीलिमिनरी स्टेजेस पे है, कि शायद ये जो चाइना की कंपनी जो यूएस में लिस्टेड हैं उनको भी डीलिस्ट करा देंगे। क्या ये धमकाने वाली बात है, आपको लगता है कि दिक्कत वाली बात है? संदीप, बातें तो सीरियस है, दोनों ही बातें, कि चाहे अमेरिका में जो चीन की कंपनियां लिस्टेड हैं उन्हें मना किया जाए कि अब आप यहाँ लिस्टेड नहीं रहेंगी, या अमेरिकी इन्वेस्टर जो चीन में जाकर पैसा लगा रहे हैं, चीनी कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं, उन पर अगर लिमिट कर दी जाए या कम कर दिया जाए, दोनों ही अच्छी बात नहीं है, राइट। लेकिन अच्छी बात यह कि मार्केट उस पर ज़्यादा रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं बाजार ये मान रहा है कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं, करने वाली नहीं। हाँ, वही मैं समझ नहीं आ रहा था। तो मतलब अगर आप, मैं सीरियसली, अगर आप मुझे इंडेक्स देखे बगैर पूछें तो मैं कहूँगा यार ये तो बड़ी बात है, इस लेवल तक अब आ गए क्या ये लोग? अभी तक तो हम आपके टैरिफ लगाएंगे, आप हमारे टैरिफ लगाएंगे, आपने 50 लगाया हम 100 पे लगाएंगे, आपने 10% लगाया हम 15 लगाएंगे, इसी तरह की लड़ाइयाँ चल रही थी। लेकिन ये लड़ाइयाँ अब चलते चलते आगे इक्विटी मार्केट तक पहुँच रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इक्विटी के मार्केट पर बोलने तक सीमित रहे। इक्विटी मार्केट पर कुछ एक्शन हुआ तो अगली लड़ाई जो होगी वो मैं आपको बता दूँ, वो अगली लड़ाई होगी बॉन्ड और करेंसी को लेकर, वो ज़्यादा दिक्कत वाली होगी, क्योंकि अमेरिकी बॉन्ड में काफ़ी चीन ने पैसा लगाया हुआ और उनका बड़ा इन्वेस्टमेंट है। कमोडिटीज से शुरू हुई लड़ाई इक्विटी तक पहुंच रही, इक्विटीज से शुरू होती हुई लड़ाई अगर और आगे बढ़े और फिर ये बॉन्ड और करेंसी तक पहुंचे तो ये दुनिया भर के लिए ठीक नहीं है। दो बड़ी देशों के बीच की लड़ाई होना ठीक नहीं है। तो पता नहीं क्यों मार्केट का रिएक्शन ठंडा है, एक तरह से अच्छा है, लेकिन बात बड़ी है, अब इनिशियल स्टेज पर है, इसलिए शायद बाजार वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पर नजर रखनी चाहिए। तो अमेरिका और चीन के बीच में जो तनातनी बढ़ रही है वो ठीक नहीं है। कम से कम भले आज हम गिर नहीं रहे संदीप, लेकिन कम से कम ये हमारी अपसाइड लिमिट कर देती है, ग्लोबल मार्केट्स में आपको बढ़ने नहीं देती है। डर हमेशा रहेगा कि यह आज शुरुआत हुई है, ये हल्की चिंगारी है, बुझ गई तो ठीक, नहीं तो एक वो ज्वाला बन सकती है। तो इसलिए हमें थोड़ा सावधान रहना है इसको देखते हुए। जहाँ तक बाकी संकेतों का सवाल है, कच्चा तेल आपका 61-62 की रेंज में है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। रुपया आपका शुक्रवार को अच्छा मजबूत होकर आया है, तो ये अच्छी संकेत है। तो कुल मिलाकर बाकी संकेत ठीक है, इसलिए मैंने आज ग्लोबल संकेतों को न्यूट्रल रखा है, नेगेटिव नहीं। और अमेरिकी बाजार हालांकि ऊपरी स्तरों से फिसले अच्छे हैं, लेकिन फिर भी डाउ फ्यूचर्स उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे न्यूट्रल संकेतों से काम चल जाएगा। मेरे दो सवाल थे सर। पहली बात तो ये कि ये जो 2020 के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने हैं यूएस में, क्या ये उसकी तरफ तैयारी हो रही है, जिस वजह से ट्रंप साहब अपना एक वो जो पूरा रिपोर्ट कार्ड दिखाने की कोशिश करेंगे, हमने बहुत वो किया है, राइट। और दूसरा, जब आप कह रहे हैं कि ये बड़ी बात है, अगर ये चिंगारी ज्वाला बनती है, तो उस वो ज्वाला का जो फायदा है वो क्या इंडियन मार्केट्स में आता है दिखेगा, इंडियन इकोनॉमी में निवेश आएगा? दो चीजें हैं। पहली चीज तो है कि 100% इसको इलेक्शन के साथ आप जोड़ सकते हैं। अब अमेरिका में जो कुछ भी होगा वो इलेक्शन से जोड़ना कोई गलत नहीं है, क्योंकि चुनाव का साल है और चुनाव के साल में हर चीज चुनाव को ध्यान में रखी की जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अल्टीमेटली चाहे ट्रंप साहब हो चाहे शी जिनपिंग हो, है तो दोनों ही नेता ही, और नेतागिरी जिसे हम अच्छे शब्दों में राजनीति कहते हैं, राजनीति करने से बाज आएंगे नहीं।
तो दोनों ही जगह राजनीति है, राइट। तो एक तो उनसे जोड़कर देखना बिल्कुल ठीक है, और शायद यही वजह है कि अमेरिकी बाजार ज्यादा रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, ये मानकर चल रहे हैं कि ये राजनीति का हिस्सा है। अगर ये राजनीति का हिस्सा नहीं होता, ट्रंप साहब के साल, उनके कार्यकाल के पहले साल में अगर ऐसी बातें होती तो मार्केट रिएक्शन दे देता कि तीन साल पड़े हैं, कुछ ना कुछ कर डालेंगे। लेकिन सबको समझ में आ रहा है कि ये राजनीति के चलते नहीं हो रहा है, तो पहली चीज तो ये एकदम साफ है। और दूसरा आपने जो पूछा, भारत में निवेश है, भारत में निवेश, इवेंचुअली चीन और अमेरिका के बीच की तनातनी हिंदुस्तान के लिए फायदे की बात है, लेकिन तुरंत नहीं। आज ये लड़े आज ही हमें फायदा हो जाए ऐसा नहीं, आज लड़ेंगे झगड़ेंगे, पैसा निकलेगा अमेरिका का चीन से, चीन का अमेरिका से, फिर वो नया रास्ता ढूंढेगा। तो सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाली अर्थव्यवस्था, भले हम 5% है, फिर भी 20 फास्टेस्ट ग्रोइंग है दुनिया में, तो हमारे यहाँ पैसा तो आना है। लेकिन उस वो पैसा आने के पहले आपको कमजोर होना है ग्लोबल मार्केट्स के साथ। तो ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी हमारे लिए शॉर्ट टर्म में खराब है, लेकिन अमेरिका और चीन के बीच में अगर इन्वेस्टमेंट घटता है तो लॉन्ग टर्म में ये हमारे लिए अच्छा है। तो शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म गेन। चलिए, तो मार्केट भी शायद इसी चीज को फैक्टर इन कर रहे हैं। जो डाउ फ्यूचर्स आप थोड़ी देर पहले 70 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखा रहे थे, अब वहां पे 100 पॉइंट से ज्यादा की गेंस देखने को मिल रहे हैं। तो ग्लोबल आपने न्यूट्रल रखे हैं अनिल जी, जो बाकी संकेत हैं वो कैसे देखे जाए? FIs के संकेत नेगेटिव साइड पर है, घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव साइड पर है, वायदा कारोबार के संकेत है न्यूट्रल, सेंटिमेंट पॉजिटिव है शुक्रवार की गिरावट के बावजूद। मेरे लिए सेंटिमेंट में अभी भी कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है, अच्छा ही है। तो ट्रेंड पॉजिटिव साइड पर है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सारे संकेत है आपके आज के लिए। तो नेगेटिव भी है, न्यूट्रल भी है, पॉजिटिव भी है, दो है पॉजिटिव, तीन है पॉजिटिव, दो है न्यूट्रल और एक है नेगेटिव। FIs नेगेटिव है, चलिए ठीक है, इसके ऊपर फोकस करेंगे, लेकिन पहले एक रेंज के ऊपर फोकस कर रहे थे कि आज की जो रेंज है वो कैसे देखें। पहले सपोर्ट जोन बता दूं, 11425 11450 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और बैंक निफ्टी पर यही मजबूत सपोर्ट दिन के लिए 29500 से लेकर 29650 की रेंज का रहेगा। मजबूत सपोर्ट से मतलब संदीप मेरा ये कि अगर इस रेंज के आसपास बाजार मिले तो खरीदारी करिए, रुकिएगा मत, फिर इंतजार मत कीजिए कि कहीं कोई संकेत आएगा आपको कहा जाएगा। ये अच्छी रेंज है जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस क्या होंगे वो मैं आगे बता दूंगा। 11550 से 11600 ये वो रेंज होगी जहां पर आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। तो जितना 11600 के नजदीक पहुंचे वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं। यही प्रॉफिट बुकिंग का लेवल 30,000-30,150 की रेंज में बैंक निफ्टी में बनता है। लेकिन बैंक निफ्टी अगर 30,200 के पार निकला तो बहुत तेजी से रॉकेट की तरफ भागेगा। कितना बोला मैं? 30,000-30,150 अभी की एक रेंज है ऊपर की तरफ। इसको पार करने के बाद बैंक निफ्टी में बड़ी तेजी बनेगी, वो मैं आपको आगे विस्तार में बताऊंगा। नवरात्रि में रॉकेट? हाँ हाँ बिल्कुल तैयारी, रॉकेट रॉकेट को तो अब नवरात्रि के तुरंत बाद तो दशहरा आने की तैयारी है भाई, रॉकेट तो अपने निकाल कर तैयार कर लीजिए। रॉकेट की एक और तैयार एक और रीजन है रॉकेट चलने के, और वो मैं सेंटीमेंट में कहना चाहता था। रॉकेट चलने के रीजन ये कि आज एक अहम बैठक है सरकार की डाइवेस्टमेंट को लेकर, सेक्रेटरीज की है, सारे सेक्रेटरीज की। एक चीज ध्यान में रखिएगा, मीटिंग सेक्रेटरीज की है तो सेक्रेटरीज डिसाइड नहीं करेंगे कि डाइवेस्टमेंट कर लेना है, लेकिन सेक्रेटरीज रिकमेंड करेंगे। ये सरकार को डिसीजन लेने के लिए एक बेस है। अगर उन्होंने ये बोल दिया कि भाई डाइवेस्टमेंट करिए, स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट करिए, 100% करिए, तो ये जो सेंटीमेंट है ना पॉजिटिव लिखने के पीछे कारण ये है, ये मीटिंग आज बाजार का मूड बदल सकती है। इसलिए एक्सेसिव मंदी में ना रहे। अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है, नवरात्रि चल रहे हैं ज्यादा, वैसे भी वो श्राद्ध पक्ष खत्म हो चुका है। हाँ, वो तो शनिवार को हाँ, थोड़ा मतलब जब मार्केट समझ में आए तो भगवान पर भरोसा कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल, अच्छे दिनों में खराब ना सोचें, और ये चीज मूड बदल सकती है। अगर सेक्रेटरीज की मीटिंग में आ जाए कि जाइए BPCL, कॉनकॉर, शिपिंग कॉर्पोरेशन, जो आपको समझ में आए उसका स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट कीजिए, पूरा भेज दीजिए, सरकारी कंपनी में आग लग जाएगी। भले डिसीजन फाइनल कैबिनेट को लेना है, प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं, अब वो मीटिंग शायद बुधवार को परसों होंगी, राइट। उसमें डिसीजन होता है नहीं होता है, क्या होता है कैसे होता है वो अलग बात है, लेकिन वो एक ग्राउंड आपके लिए तैयार कर देगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सेंटिमेंट अच्छा है, कोई भी चीज बाजार का मूड बदल सकती है, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर एक भी कंपनी प्राइवेटाइजेशन करने की तरफ सरकार बढ़ती है तो सारी सरकारी कंपनी की रीरेटिंग हो जाएगी, इसलिए ये बड़ी चीज है। तो ऊपरी रेंज पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी है, शॉर्ट नहीं करना है, ये ध्यान में रखिए। अच्छा। हाँ, शॉर्ट करने की रेंज बहुत दूर है। अगर आपको निफ्टी शॉर्ट करना है 11650 11700 बनता है कायदे से, ओके। अगर अच्छी रेंज देखनी है
बैंक निफ्टी शॉर्ट करना है 30,500, 30,700 बनता है कायदे से, बहुत दूर है, लेकिन फिर भी हम ये मानकर चलते हैं कि छोटी रेंज पर एक बार आपको फोकस करना है। अब आइए आज की रेंज बता दूं, 11,450 से लेकर 11,550 ये निफ्टी की छोटी दिन की रेंज है, इस पर फोकस करिए। मीडियम रेंज 11,425 से लेकर 11,575 की बनती है और बड़ी रेंज जो है वो 11,400 से 11,625 की, इन तीन रेंज पर आपको करना है फोकस। अब आइए बैंक निफ्टी, 29,730-30,050 छोटी रेंज है, 29,600-30,150 बड़ी रेंज है, और बैंक निफ्टी हमेशा बड़ी रेंज के लिए सरप्राइज करता है, राइट। इसलिए बड़ी रेंज वाली जो एकदम बड़ी रेंज जो है, मीडियम रेंज माफ कीजिएगा, ये 29,630-30,150 है, एकदम बड़ी वाली रेंज 1100 पॉइंट की है, 29,450 से लेकर 30,550 ये आपके लिए एक्सट्रीम रेंज है निफ्टी की। एक चीज बताता हूँ आपको, पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में संदीप निफ्टी हमेशा हर रोज एक दिन को छोड़कर 11,500 के नीचे आया है, ठीक है, और हर रोज एक दिन को छोड़ के 11,600 के ऊपर भी गया है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि आपको 11,500 के नीचे भी निफ्टी दिखाता है, 11,600 के ऊपर भी दिखाता है। इसका मतलब यह है कि 11,500 के नीचे आए खरीदना है, 11,600-600 के ऊपर आए बेचना है। ये बहुत क्लियर कट, सेम चीज आपको बैंक निफ्टी दिखाता हूँ। पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन में, 6 ट्रेडिंग सेशन में, 6 ट्रेडिंग सेशन में हर रोज बैंक निफ्टी 30,000 के ऊपर भी ट्रेड करता हुआ दिखा, हर रोज, और एक दिन को छोड़ दें तो हर रोज 29,000 के नीचे भी ट्रेड करता हुआ दिखा, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो आपको 30,000 के नीचे का भी ट्रेड हर रोज नहीं, 6 के 6 दिन, एक दिन नहीं, 6 के 6 दिन 30,000 के नीचे भी ट्रेड हुआ है, 6 के 6 दिन 30,000 के ऊपर भी ट्रेड हुआ। अब आपको खाली ये डिसाइड करना है कि 30,000 के नीचे मुझे कहाँ खरीदना है, और ये डिसाइड करना है कि 30,000 के ऊपर कहाँ बेचना है। मतलब आपको मार्केट बहुत साफ साफ बता रहा है कि मैं दोनों तरफ मौके दे रहा हूँ आपको ट्रेड करने के, मतलब जो आपको लेवल मिलता है उसके विपरीत आपको खड़े होकर ट्रेड करना है। ऊपर आ जाए तो शॉर्ट करके फिर थोड़ा नीचे में लेंगे, नीचे आ जाए तो खरीद के लेंगे, और दोनों नहीं कर सकते। अगर आपको शॉर्ट करना नहीं आता तो चिंता मत करिए, बाय ऑन डिप्स, एक सिंपल फॉर्मूला है। जब तक कोई इंपॉर्टेंट, अभी मैं ट्रेंड को मैंने नेगेटिव पॉजिटिव से न्यूट्रल भी नहीं किया है, नेगेटिव तो बहुत दूर की बात है। आपको नहीं समझ में आता सिर्फ तेजी करिए, बात छोड़ दीजिए, खत्म बात, सिर्फ तेजी करिए, बस कहाँ खरीदना है उतना ही सोचिए बस। बाय ऑन डिप्स ही है, ये बात साफ है। चलिए फिर ये भी बता दीजिए कि अगर आप कह रहे हैं कि जिनके पास तेजी की पोजीशन पहले से है, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है जिनके पास, उनको क्या करना चाहिए? उनको देखिए स्टॉप लॉस है ना, इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे 11,440 का रखना चाहिए। ये 11,500 वाला मैंने गलत लिया, ये कट कॉपी पेस्ट में शुक्रवार का लग गया ये, ठीक है ना। तो 11,440 ये आज का स्टॉप लॉस होगा इंट्राडे का भी और क्लोजिंग बेसिस पर, सिर्फ क्लोजिंग और इंट्राडे एक ही स्टॉप लॉस रखिए, ठीक है, और हाँ, और बैंक निफ्टी का एक ही स्टॉप लॉस रखना है 29,600, ठीक है, करनी तेजी है, हाँ करनी तेजी है, 29,600 दोनों के स्टॉप लॉस चेंज करिएगा, ये मेरा चेंज करना रहेगा। 11,440 ये निफ्टी का स्टॉप लॉस है आज के लिए, इंटरडे भी और क्लोजिंग बेसिस पे भी 29,600 का निफ्टी बैंक का आज के दिन का स्टॉप लॉस है, परफेक्ट। तो ये तेजी की बात होगी, ये तेजी की बात। अब जो मंदी वाले हैं, 11,625 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस दोनों, 11,625 का स्टॉप लॉस है, सिंपल, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, और 30,200 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस है। तो बैंक निफ्टी के लिए 30,200 दिन के पार निकले या क्लोजिंग होता दिखे काट लीजिए शॉर्ट, 11,625 के पार निफ्टी निकलता दिखे क्लोजिंग होता दिखे काट लीजिए शॉर्ट, और 11,440 आपका लॉन्ग साइड पर स्टॉप लॉस हो गया, और 29,600 बैंक निफ्टी पर लॉन्ग साइड पर स्टॉप लॉस हो गया। तो स्टॉप लॉस क्लियर है। चलिए, जिनकी पोजीशन खड़ी है चाहे वो तेजी की है चाहे मंदी की है, तो उसके तो आपको कैसे ट्रेड करना है, कैसे स्टॉप लॉस, कौन से टारगेट हैं, कौन से लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं, वो तो आपके सामने ही है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है भी। लेकिन सर, नई पोजीशन, हाँ, जो आज अगर कोई नई पोजीशन बनाना चाहता है तो देखो कहाँ खरीदना है, जहाँ प्री ओपनिंग सेशन में कहाँ सेटल होते हैं वो तो मैं आपको 9:08 बताऊंगा। अभी मैं आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ, 11,450 की रेंज में निफ्टी आता है, वहाँ पर खरीदिए, 11,400 का आपका स्टॉप लॉस है, 11,500, 11,550, 11,575, 11,600 ये चार लेवल है, 11 वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। जो शॉर्ट करना चाहते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर हैं, तो 11,575, 11,600 पर शॉर्ट करें, 11,625 का छोटा स्टॉप लॉस होगा, और जो पैसिव ट्रेडर हैं उनको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए फिर 11,650-11,700 तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आप इस रेंज पर शॉर्ट कीजिए, स्टॉप लॉस शॉर्ट में छोटा रखिए, सिर्फ 25 पॉइंट का, 11,625 का ही रखना है, क्योंकि शॉर्ट को लेकर मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्योंकि जो बढ़ेगा और शॉर्ट कवरिंग होगी तो किसी एक्सटर्नल ट्रिगर की वजह से होगी, ठीक है ना। तो आपको यहाँ शॉर्ट करना है 11,550-11,500 के दो टारगेट के लिए, 11,500-11,550, चलिए ठीक है, ये होगी निफ्टी की बात। हाँ, तो बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में संदीप देखिए
29600-29700 की रेंज में आता तो खरीद लेना है वहां पर। 29600 बहुत परफेक्ट लेवल है खरीदने के लिए। 29600-29650 की रेंज में तो ब्लाइंड बाय है, ठीक है, ले लीजिए। 29450 थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस जानबूझ के दे रहा हूँ, क्योंकि 29500 आए तो और लीजिए। ओके, इसलिए जानबूझ के मैं 29450 का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। ये मत सोचिए कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। 29800-930,050-30,150 ये टारगेट है जिनके लिए आपको खरीदारी करनी है। वापस मिलेगा आपको, 100% मिलेगा, चिंता मत करिए। बेचना चाहे तो देखिए, यहाँ ये थोड़ा ट्रिकी है कि कहाँ बेचना है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी के हिसाब से मैं 30,100-30,150 की रेंज में बोलूंगा बेचने के लिए, लेकिन बहुत छोटा 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस है 30,225 का। कायदे से बेचना बनता है 30,550-30,700 के बीच में, बहुत दूर है, बहुत दूर। तब वो आएगा नहीं आएगा, इसलिए एक बार तो मुझे छोटी रेंज के हिसाब से बेचने का कॉल देना है। स्टॉप लॉस 30,225 का रखिए। मैं फिर कहूंगा 30,200 के पार निकलकर टिक जाए ना बैंक निफ्टी, तो न सिर्फ अपनी शॉर्ट काटिए बल्कि डबल कर लीजिए 300 पॉइंट के लिए नॉन स्टॉप। रॉकेट, ये रॉकेट यहाँ पर है, 30,200 के ऊपर रॉकेट है। अच्छा ठीक है, ये बैंक निफ्टी रॉकेट है। हाँ, बैंक निफ्टी रॉकेट है 30,200 के ऊपर। चलिए ठीक है, डबल कर लीजिए, शॉर्ट भी काटिए डबल भी करिए। अच्छा, अगर गलती हो जाए शॉर्ट करके बैठे हैं तो 30,200 पार हो जाए तो डबल लॉन्ग कर लीजिए, रॉकेट बनता हुआ देखिए। जो स्टॉप लॉस लगाना नहीं जानते शॉर्ट पर मत करिएगा प्लीज। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता तो मत करिए शॉर्ट, तो मतलब ना ही करें तो बेटर है। हाँ, काफी दूर है वो आइडियल रेंज जहां पे बिना शॉर्ट। हाँ, क्योंकि ये करना भी है तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत छोटा स्टॉप लॉस, इसीलिए जानबूझ के है ना। चलिए ठीक है, 29,000-29,900-29,800 के टारगेट के लिए आपको करनी है मंदी। चलिए ठीक है, ये बात होगी नई पोजीशंस की। अगर आप तेजी या मंदी निफ्टी या निफ्टी बैंक में करना चाहते हैं तो ये लेवल्स, ये पूरे जो व्यू है ये आपके सामने रखे सामने आते हुए देखे हैं। अच्छा सर, पीसीआर और विक्स को देख के क्या व्यू बनता हुआ दिख रहा है? नो कमेंट्स, कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एफआईआईज और डीएस का डाटा अगर आप फिर थोड़ा समझा उसके पहले। हाँ, थोड़ा सा मैं एक बार सेक्टर्स बता दूं। अच्छा, पहले पीएसयू सरकारी कंपनियां फुल एक्शन, बाय ऑन डिप्स सरकारी कंपनियों में दिमाग लगाइए बस, और इधर उधर मत देखिए, वही एक्शन है पूरा 100%। मेटल्स कमजोर रहेंगे थोड़े, एक तो सीएलएसी की रिपोर्ट भी और दूसरा ग्लोबल मार्केट्स की थोड़ी कमजोरी के साथ मेटल्स हल्के हो सकते हैं बस। चलिए ठीक है, तो फिर अब आप बोल रहे डेटा है ना। डेटा, डेटा में देखिए 200 करोड़ की बिकवाली है कैश में एफआईआईज की तरफ से, 250 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर्स और 1000 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर 1050 के, तो नेट नेट लगभग 1300 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज ने स्टॉक्स में कर डाली है, इसलिए यह है नेगेटिव। ठीक है, इंडेक्स में 250 करोड़ बेचा लेकिन इसमें ओपन इंटरेस्ट घटा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब थोड़ी तेजी की पोजीशन कम की है। हाँ, लेकिन ओवरऑल इसलिए डेटा नेगेटिव है। घरेलू फंड्स के पॉजिटिव, इसलिए 460 करोड़ के आसपास की खरीदारी घरेलू फंड्स ने की है कैश में, तो ये डेटा ठीक है बस। ठीक है, तो ये एफआईआईज और डीएस की बात होगी, एफएनओ के क्या संकेत है सर, किस तरह का डेटा लग रहा है आपको? देखिए, प्रीमियम में थोड़ी कमी आई है, निफ्टी की प्रीमियम 67 पॉइंट के आसपास है, बैंक निफ्टी की 222 पॉइंट से घटकर प्रीमियम रह गई 185 पॉइंट के आस। अब 11,500 आपके लिए एक तरह से निर्णायक लेवल भी आप मान सकते हैं आज के लिए, क्योंकि 25 लाख शेयर हैं पुट में और कॉल्स में, 26 लाख शेयर बराबरी का मामला है, रस्साकशी वाला मामला है। तो 11,500 के ऊपर है आप मजबूत है, 11,500 के नीचे हैं तो थोड़े से कमजोर हैं, इसलिए अगर 10-12 पॉइंट नीचे खुल भी जाए तब भी डरिए मत, ऐसा कुछ नहीं है। तो 11,500 आपके लिए निर्णायक लेवल है, पोजिशन के हिसाब से ऊपर 11,600 पार करना मुश्किल होगा, 30 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहां पर है, इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, सिंपल यही है। अब आइए बैंक निफ्टी पर, 29,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है बैंक निफ्टी के पुट पर, तो वो मजबूत सपोर्ट है। 30,000 के आसपास लगभग बराबरी का लेवल है पुट और कॉल में, 6-6 लाख शेयरों का, 30,500 ऊपर की तरफ हल्का लेवल है। तो बेसिकली लेवल्स वही है जो मैंने आपको रेंज में निकाल कर दिया, और वायदा कारोबार के डेटा उसमें समावेश हो चुके हैं। चलिए ठीक है, अब स्टॉक ऑफ द डे जानेंगे, उसका बिगुलू बजाएं, लेकिन उससे पहले एक सवाल सर, मैं आपसे पहले भी पूछ सकता हूं। जी जी, आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, लेकिन महीने का, तिमाही का और छमाही का आखिरी दिन है, तो आज तो बाइंग आनी चाहिए डीआईएस की, थोड़ी खरीदारी की आप उम्मीद कर सकते हैं कि एनएवी बढ़ाने के लिए आज से घरेलू फंड खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं, खरीदेंगे भी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, इसलिए आप देखिए ना। अच्छा, मेरी उम्मीद इसलिए भी बड़ी, वो आप जो 460 करोड़ की उनकी खरीदारी कह रहे हैं ना, तो क्या एक दिन पहले से शुरू हो गया और आज वो नंबर बढ़ के भी आ सकता है? आखिरी दिन नहीं होता, नो डाउट पहले भी होता है और आज भी होगा, वैसे भी होगा। देखिए, मैं इसलिए है ना, मैं कहीं आज आपको मेरी कमेंट्री में इतने सब ग्लोबल मार्केट चीन अमेरिका के झगड़े के बावजूद कहीं नेगेटिव लग रही है क्या? मैं तो इतनी ऑप्टिमिस्टिक होकर पूछा मैंने इसीलिए। हाँ, तो पूरी उम्मीद रखिए कि खरीदारी होगी, पूरी उम्मीद रखिए। चलिए, तो पहली चीज, ब्रॉडर मार्केट में मंदी नहीं होगी, पॉइंट नंबर वन। दूसरी चीज, कैश के स्टॉक्स में मंदी नहीं होगी। तीसरी चीज, सरकारी कंपनियों में मंदी नहीं होगी। अब और क्या चाहिए फिर आपको रहेगी? तो फिर अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आनी है
तो उन स्टॉक्स में आएगी जहाँ FIs का एक्सपोजर ज्यादा है, वो बेच रहे हैं। FIs क्या बेचेंगे? बेच बेच के मेटल बेच लेंगे, थोड़ा IT बेच लेंगे, और क्या बेचेंगे, ठीक है ना। तो भाई FIs को भी समझ में आ रहा है कि अभी हमें NTPCP वगैरह ये ONGC टाइप के नहीं बेचना है, सरकारी कंपनियों को नहीं बेचना है, वहाँ रीरेटिंग होने के चांस है, तो थोड़ा मेटल थोड़ा IT वगैरह बेच दें, इंडेक्स हैवीवेट्स वहीं हैं, बट अदरवाइज ओवरऑल मार्केट पे पॉजिटिव रही है। चलिए ठीक है, तो ये मेरे सवाल का जवाब मुझे कुछ दिनों बाद मिला, लेकिन फिर भी पॉजिटिव साइड पे मिला, मुझे इस चीज़ की खुशी है। अब स्टॉक ऑफ द डे का बिल्कुल सर, एक है दो है स्टॉक्स? हाँ, एक खरीदारी और एक बिकवाली। पहला खरीदारी वाला बता दूं, हाँ, पहले BPCL जो आज सेक्रेटरीज की मीटिंग है उसमें अगर कुछ भी पॉजिटिव आया तो ये तेजी बना सकता है, लेकिन उसके पहले भी थोड़ी तेजी बन सकती है। 455 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदना है, स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का है, तो क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से बड़ा एक्शन आया है तो स्टॉप लॉस और टारगेट थोड़े बड़े बन के आ रहे हैं। अच्छा। तो 455 का स्टॉप लॉस है, 480, 490, 495 और 505, चार टारगेट निकाले मैंने BPCL के, 80, 90, 95, 505। हाँ, तो आज जो सेक्रेटरीज की मीटिंग है डाइवेस्टमेंट को लेकर, ये बहुत बेहतरीन हो सकती है और इसके चलते इस स्टॉक में बढ़िया एक्शन देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी। ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव। दूसरा स्टॉक ऑफ द डे है बिकवाली की राय, और वो है JSW स्टील। 236 के स्टॉप लॉस के साथ आपको शॉर्ट करना चाहिए, 227 और 224 दो टारगेट है फ्यूचर्स के। वजह, मेटल्स वैसे भी थोड़ा सा ग्लोबली कमजोर है, ग्लोबल मार्केट हल्के वीक है तो मेटल्स पर असर पड़ता ही, साथ ही CLSE की आज मेटल सेक्टर पर खराब रिपोर्ट आई है जिसका असर भी देखने को मिलेगा। उन्होंने टारगेट घटाकर 170 का किया है, खराब घटाया है, कईयों के घटाएं, तो इसलिए JSW स्टील आज शॉर्ट साइड पर है। चलिए ठीक है, ये जानेंगे, इस रिपोर्ट के ऊपर भी फोकस करेंगे, लेकिन सर आज बहुत जरूरी है जानना कि IRCTC इसका IPO आज खुल रहा है, इसमें क्या करना है? पैसा लगाना है और क्या करना है? दम से, दमदार तरीके से लगाना है। दमदार तरीके से मतलब ये नहीं कि सारा का सारा लगा दें। दो तीन चीजें करना चाहता हूँ। पहली चीज तो एक है, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, लिस्टिंग के दिन पैसा कमाकर भाग जाना चाहते हैं, तब आपके लिए ये IPO है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और एक ऐसा बढ़िया ब्लू चिप स्टॉक चाहते हैं जो कि मेरे पोर्टफोलियो में साल, दो साल, पांच, दस साल पड़ा रहे, तो भी ये आपके लिए IPO है। तो दोनों के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, दोनों के लिए IPO पॉइंट नंबर वन। 320 का हायर प्राइस बैंड है, वहां पर लगाना है, 10 रुपए का रिटेल को डिस्काउंट भी है, तो इफेक्टिवली आपके 310 की कॉस्ट ही आ रही है, लगा लीजिए। तीसरी चीज, आपको सिंगल लॉट लगाना है, एक ही आएगा ही नहीं तो आप भले 2 लाख की लगाओ, भले सिंगल लॉट की लगाओ, आपको अलॉटमेंट उतना ही मिलना है, नहीं मिलना, ठीक है, तो सिंगल लॉट की एप्लीकेशन लगाइए। चौथी चीज, आज ही लगाइए, अच्छा। आखिरी दिन तक इंतजार मत कीजिए, मैं रीजन बता दूं, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में अभी कुछ नियम बदले हैं IPO के, जिसमें एक बैंक अकाउंट से आप एक ही एप्लीकेशन लगा पाएंगे। अच्छा, अगर फिजिकल आप लगाते हैं तो क्या होता है कि अगर समझिए मेरी फैमिली में 4 मेंबर हैं, इनकी मैं एप्लीकेशन लगा सकता हूं, मैं चार एक ही मेरे अकाउंट से 4 चेक काट दिए और चारों के नाम पर एप्लीकेशन के साथ लगा दिया, वो अलाउड है। लेकिन बैंक अकाउंट के साथ अगर आप ऑनलाइन करते तो डिजिटल एप्लीकेशन लगाते तो एक बैंक अकाउंट से एक ही लगा सकते हैं। फिजिकल लगाने में एक दिक्कत है, पहले ये होता था कि आप एप्लीकेशन भर के ब्रोकर को दे देते, ब्रोकर कर देता था, अब नियम जो बदले हैं इसमें आपको उसी बैंक में जाकर देना जिस बैंक में आपका अकाउंट है। अच्छा, और तो आपको हर अलग अलग बैंक अकाउंट से लगानी पड़ेगी एप्लीकेशन और बैंक में जाके देना पड़ेगा, राइट? तो ये बड़ी दिक्कत की बात है, इसलिए आप है ना फिजिकल के चक्कर में ना पड़े, कोशिश करें ऑनलाइन ही कर लें, और अगर ऑनलाइन नहीं करके आपको फिजिकल करना ही है तो आखिरी दिन तक का इंतजार ना करें, लाइन लंबी लग जाएगी, आप रह जाएंगे। पहला काम ये कीजिए, जाइए एप्लीकेशन लगाइए, सिंपल चीज। अब और सब्सक्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा होने वाला है इसलिए पहले से कर लिए। रेलवे के जितने स्टॉक्स हैं उन रेलवे के स्टॉक्स में ये सबसे बेस्ट क्वालिटी स्टॉक है। ई कॉमर्स कंपनी है, फ्यूचर इसी का है, वेल मैनेज कंपनी है, ग्रोथ जबरदस्त है। आप मुझे बताएं कि पिछली बार कब, कितने साल पहले आप काउंटर पर जाकर आप रेलवे की टिकट करवाएं, याद ही नहीं आता। हर आदमी धीरे धीरे, मतलब मुझे लगता है धीरे धीरे ये वैसे ही हाल हो जाएगा जैसे आप एयरपोर्ट पर जाते हैं ना, कौन आदमी एयरपोर्ट पर काउंटर पर जाकर टिकट खरीदता है, सब पहले से ऑनलाइन बुक करके जाते हैं। सिमिलर सिचुएशन आपकी रेलवे में होने वाली है, हर आदमी ऑनलाइन ही करेगा, ये धीरे धीरे होने वाली, तो ये बिजनेस बढ़ने वाला है, बहुत बेहतरीन मैनेज कंपनी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि लिस्टिंग का तगड़ा गेन होगा, मुनाफा छोटा मोटा नहीं होगा। अगर ये लिस्टिंग पर आपको 50-75% के गेन भी दिखा दे तो बड़ी बात नहीं है। बाप रे, तो वैसे भी PSU के लिए माहौल तो काफ़ी अच्छा है। और सबसे बढ़िया बात, इस बात के लिए मैं पीयूष गोयल साहब को, रेल मंत्री जी जो है, उनको, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। जो टाइमिंग नहीं,
वैल्यूएशन। अच्छा, जो जिस भाव में आप शेयर दे रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा है, ये चीज होनी चाहिए। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि इस आईपीओ में कोई 10 रुपए का डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं थी रिटेल को। अच्छा, 320 में डैम चीप है, सस्ता है, मुंह में पानी आए जैसा आईपीओ ये। तो 320 में भी सस्ता है तो 310 में तो अच्छा। तो भी आप रिटेल इन्वेस्टर्स की इज्जत करके उन्हें डिस्काउंट दे रहे, ये चीज चाहिए। मैं तो कहूंगा इस तरह के आईपीओ में है ना 100% रिटेल को कर दो। अच्छा। जिस फंड को खरीदना आके लिस्टिंग के बाद खरीदे, अरे वाह, मजा आ जाए। तो रिटेल इन्वेस्टर को भी लगे ना हमारी ये रेलवे, रेलवे मिनिस्ट्री हमारी, सरकार हमारी है, पैसा कमाने को दिया है, हम टिकट खरीदते तो शेयर 100-150-200 रुपए हमें मिलेंगे लिस्टिंग पर। तो बट एनीवे, जो किया उसके लिए भी धन्यवाद है। ये चीज सबको सीखना चाहिए, न सिर्फ रेलवे मिनिस्ट्री को बल्कि सबको सीखना चाहिए कि किस तरह से अगर आप थोड़ा भी आईपीओ को अच्छी प्राइस करते हैं तो लोगों का उत्साह बढ़ता है। कितने गुना भरेगा ये नहीं, कितने 100 गुना भरेगा ये देखना होगा। 200, 300, 350 गुना एचएनआई कैटेगरी में भरने वाला है। रिटेल में मेरे लिए अंदाजा लगाना इसलिए मुश्किल काम है क्योंकि रिटेल में थोड़ा सा ये नए नियम है, उसके हिसाब से कितने लोग डिजिटल में लगाते हैं, कितने लोग फिजिकल एप्लीकेशन दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, बट एक तरह से बढ़िया है, जो लगा पाएंगे ना वो लकी है। तो बिल्कुल सब काम छोड़ के पहले IRCTC के आईपीओ में पैसा लगाइए। चलिए, आप इतने बुलिश हैं तो एक पॉजिटिव मैं भी बता देता हूँ आपको कि वो 1 सितंबर से जो सर्विस चार्ज है मैं वापस से लगा लिया है, तो इनके लिए अच्छा है, इनके लिए पॉजिटिव है। तो ये आपके सस्ते वैल्यूएशन में आपको कंपनी मिल रही है, इनके कारोबार के लिए अच्छी बात है, आगे नंबर्स अच्छे आते हुए दिखेंगे। चलिए, ये तो बात हुई IRCTC के आईपीओ की। आज ही आपको पैसा लगाना है, परसों का इंतजार मत कीजिए, और एक ही लॉट आपको लगाना है, 2 लाख रुपए मत लगाइए, ये रणनीति आपके सामने रखी गई है। चलिए, अब पूरी रिसर्च टीम मेरे साथ शामिल हो रही है, उनसे जानते हैं कि खबरों वाले शेयर कौन से हैं और उसके साथ साथ ब्रोकिंग हाउसेज की रिपोर्ट्स कहाँ पे आई हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी मानसी मौजूद हैं, देवांशी मौजूद हैं, इसके अलावा आशीष हमें ब्रोकिंग हाउसेज की रिपोर्ट्स बताएंगे। मानसी और देवांशी हमें बताएंगे खबरों वाले शेयर कहाँ पे एक्शन देखने को मिलेगा। पहले देवांशी मेरे साथ जुड़ी हैं, देवांशी बताइए खबरों वाले शेयर और ट्रिगर्स आज के लिए। गुड मॉर्निंग संदीप, आज सबसे पहले ट्रिगर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिलायंस कम्युनिकेशन इनसॉल्वेंसी के जो केस का मामला है वो NCLT में आज उसकी सुनवाई होगी, इस पर फोकस होना चाहिए। ADAG ग्रुप के आज AGM है, रिलायंस कैपिटल की AGM 10 बजे होगी, रिलायंस इंफ्रा की 11:15 बजे, रिलायंस इंफ्रा की 12:30 बजे और रिलायंस कम्युनिकेशन की जो AGM है वो 4 बजे होगी, इस पर फोकस होगा। और कोल इंडिया, कोल यूनियन की आज बैठक होने वाली है, हड़ताल के बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि 24 सितंबर को ही 5 ट्रेड यूनियन हड़ताल पर गए थे, जो 100% FDI कोल माइनिंग में जो फैसला आता हुआ दिखा था, इसी के अगेंस्ट या जो हड़ताल है वो कोल यूनियन ने की थी। लक्ष्मी विलास बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये दोनों स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। लक्ष्मी विलास बैंक को RBI ने PCA श्रेणी में डाल दिया है, जो बढ़ते NPA खाते थे उसको देख के, और साथ ही जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो लगातार गिरता हुआ दिखा था, इसी के चलते PCA श्रेणी में डाला है। और अब जो बैंक है वो कॉर्पोरेट लोन्स नहीं दे पाएंगी। DHFL रेगुलेशन की जो प्रक्रिया है वो अब उसके ऊपर चर्चा होती हुई दिखी थी वीकेंड पर, और अब ये निर्णय आता हुआ दिखा है फिलहाल के लिए कि करीब 54 रुपीज़ प्रति शेयर पर जो कर्ज है वो इक्विटी में बदला जा सकता है, और साथ ही लेंडर्स को करीब 51% की जो हिस्सेदारी वो मिल सकती है, लेकिन अभी भी इस पर विचार हो रहा है। 25 अक्टूबर तक रेजोल्यूशन प्लान पर निर्णय होने की बात चल रही है। इसके अलावा IDBI बैंक ये भी फोकस में होगा, जहाँ पर एसेट रेजोल्यूशन कंपनी जो है बैंक की RCEL, इसमें करीब 19.18% हिस्सा बेचने को बैंक को मंजूरी मिल चुकी है। और साथ ही सिप्ला, आज नेगेटिव खबर इसके लिए भी आती हुई दिख रही है। USFDA ने 16 सितंबर से 27 सितंबर के बीच गोवा प्लांट की जांच की थी, जांच में 12 आपत्तियां कंपनी को जारी होती हुई दिखी है, लेकिन कोई भी जो आपत्ति है वो डेटा इंटीग्रिटी इश्यू की नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट सिप्ला पे जरूर होगा। ओके, तो ये स्टॉक्स और मानसी के पास भी ऐसी लिस्ट, मानसी बताइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, फार्मा स्पेस की कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा पर भी आज फोकस होगा, क्योंकि इस कंपनी की भी एक जांच हुई है। 27 सितंबर को इसकी गोवा प्लांट की जांच हुई थी और जांच में 2 गड़बड़ियां भी पाई गई थी, तो इस खबर के चलते ग्लेनमार्क फार्मा फोकस में होगा। इसके अलावा PSU बैंक्स पर फोकस होगा। ओवर द वीकेंड काफी सारे सर्कुलर्स आए हैं और सरकार की तरफ से पूंजी डालने की इसमें खबरें हैं। एक एक करके कौन सी बैंक में कितनी पूंजी डाली गई वो बता देती हूँ। पंजाब एंड सिंध बैंक में 787 करोड़ डाले गए हैं, कैनरा बैंक में 1,806 करोड़, PNB में 13,091 करोड़, यूनियन बैंक में 6,216 करोड़, वहीं सेंट्रल बैंक में 3,353
करोड़, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में 1,666 करोड़, और साथ ही आईओबी में 3,857 करोड़, यूको बैंक में 2,130 करोड़ की पूंजी डाली गई है। तमाम पीएसयू बैंक इस खबर के चलते आज फोकस में रह सकती है। कॉक्स एंड किंग्स मैनेजमेंट से जुड़ी एक खबर है जिसमें ऑडिटर डीटीएस एंड एसोसिएट्स ने इस्तीफा दिया है, और दूसरी खबर आईएटीए यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया है। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए सेवा जारी रखने के लिए इबिक्स एक कंपनी है जिसने कंपनी के साथ करार कर लिया है। तो इस खबर के चलते दो खबरें हैं कॉक्स एंड किंग्स पर जिस पर फोकस होगा। टाटा पावर कंपनी के लिए अच्छी खबर है, कंपनी की सोलर इकाई ने 105 मेगावाट्स के सोलर प्रोजेक्ट के लिए बोली जीत ली है, 343 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए बोली जीती गई है। फंड एक्शंस हैं कुछ मेरे पास जो बताती हूँ। न्यूलैंड लेबोरेटरीज लिमिटेड में एलटीआर फोकस फंड ने 2.5 लाख शेयर्स की खरीदारी की है, यहाँ पर 2.5 लाख शेयर्स बेचे हैं 490 प्रति शेयर के दाम पर। वहीं केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड ने 2.5 लाख शेयर्स 490 के दाम पर खरीदे हैं। आईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट में स्मॉल कैप वर्ल्ड फाइनेंस ने करीब 12 लाख शेयर्स 1300 के दाम पर खरीदे हैं, और साथ ही एस चांदन कंपनी में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 11 लाख शेयर्स की बिकवाली की है 64 रुपये प्रति शेयर के दाम पर। इसके अलावा हुईज मीटिंग होम कुछ कंपनियां हैं जो एक दूसरे से मिलने जा रही है, उसकी बात कर लेते हैं। सितंबर 30 से नवंबर 20 तक महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट से, गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट से और कुछ और निवेशकों से मिलने जा रही है। तो इस मीटिंग्स के चलते इन तमाम कंपनियों पर भी फोकस होगा। ओके, ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं और रिपोर्ट्स हैं आशीष के पास। आशीष पहले कौन सी बताएंगे, सेक्टर या स्टॉक? सेक्टर वाली बताओ। चलिए बताइए। मेटल सेक्टर पे आई है, सीएलएसए की रिपोर्ट है, नेगेटिव रिपोर्ट लग रही है, कह रहे कि जो मेटल के दामों में गिरावट रहेगी क्योंकि ग्लोबल बाजारों में अनिश्चितता है। इन्होंने टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, वेदांता सब में बिकवाली की राय को बरकरार रखा है। सिर्फ कोल इंडिया में खरीदारी की राय बरकरार है, लेकिन यहाँ पर भी लक्ष्य को घटाया है, लक्ष्य को 290 से घटाकर 270 कर दिया है। टाटा स्टील पर 275 का लक्ष्य दे रहे हैं, जेएसडब्ल्यू पर 170 का, हिंडाल्को पर भी 170 का है और वेदांता में 145, यानी काफ़ी नीचे के लक्ष्य दे रहे हैं ये मेटल स्टॉक्स के ऊपर। एक ऑटो सेक्टर पर रिपोर्ट है, जेफरीज की रिपोर्ट है, ये कह रहे हैं कि धीमापन का ये तीसरा क्वार्टर है, लेकिन हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो जो धीमापन होता है ऑटो सेक्टर में वो 7 से लेकर 11 क्वार्टर तक चलता है, और आगे जाकर FY20 में और EPS में कटौती होने की संभावना है। सिर्फ M&M पर खरीदारी की राय है ले, और मारुति पर इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है, बाय से रेटिंग हटाकर होल्ड कर दी है, तो ये मारुति के लिए नेगेटिव होगा। और स्टॉक स्पेसिफिक कौन सी रिपोर्ट्स हैं आपके पास? स्टॉक स्पेसिफिक रिपोर्ट्स हैं, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है एशियन पेंट्स पर, यहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग जो है उसे डाउनग्रेड कर इक्वल वेट की रेटिंग दे दी गई है, लेकिन लक्ष्य को बढ़ाया है, लक्ष्य को 1600 से बढ़ाकर 1820 कर दिया गया है। ये कहने की कंपनी की वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, लेकिन एक पॉजिटिव पर भी इन्होंने फोकस किया कि इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी में ये बेस्ट स्टॉक होगा। टाइटन पर रिपोर्ट है मॉर्गन स्टैनली की, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा गया है, लक्ष्य को बढ़ाया है, 1300 से बढ़ाकर 1450 कर दिया गया है। ये कह रहे कि कॉर्पोरेट टैक्स में जो कटौती हुई है उससे 5% की बढ़त देखने को मिल सकती है कंपनी की आय में, और रिटर्न रेशियोज और डिविडेंड पेआउट भी कंपनी का बढ़िया लग रहा है। कोटक महिंद्रा पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी गई है, लक्ष्य को 1600 से बढ़ाकर 1900 कर दिया गया है। ये कह रहे कि FY19 से लेकर 22 तक की EPS का अनुमान में 1% की बढ़ोतरी की है, यानी 5% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। कह रहे कि कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है। AU स्मॉल बैंक पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है और इक्वल वेट की रेटिंग दी गई है, लक्ष्य को बढ़ाया है, 560 से बढ़ाकर 700 कर दिया गया है। ये कह रहे हैं कि टैक्स रेट में जो कटौती हुई है उससे आय में करीब 8% की बढ़त देखने को मिलेगी। हीरो मोटो पर बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 3150 का दे रहे हैं। कह रहे हैं कि त्योहारी सीजन में बिक्री ठीक ठाक रहेगी, जिससे हो सकता है कि जो इन्वेंट्री लेवल्स हैं वहाँ पर अच्छी गिरावट देखने को मिले। और आखिरी रिपोर्ट है LIC हाउसिंग फाइनेंस पर, UBS की रिपोर्ट है, न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी गई है, लक्ष्य को 550 रुपये से घटाकर 450 कर दिया गया है। ये कह रहे हैं कि आगे जाकर मार्जिन्स पर एक चिंताएं हैं, असेट क्वालिटी में भी दबाव देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जहाँ पर आपको करना है फोकस। आज मॉर्गन स्टैनली बढ़िया मूड में लगता है, बहुत काम किया उन्होंने, सारे अच्छे काम किए हैं। एशियन पेंट्स, टाइटन, कोटक और AU स्मॉल सफल लेवल टारगेट्स बढ़ाए हैं, धन्य हो। ओके, अब आइए आज की सबसे बड़ी खबर पर करते हैं फोकस, और वह है सरकारी कंपनियों में विनिवेश को लेकर आज होने वाली है अहम बैठक। किसकी बैठक है और इस बैठक में क्या कुछ डिस्कस होगा, बताने के लिए हमारी संवाददाता मोनिका यादव हमारे साथ जुड़ चुकी है इस वक्त नई दिल्ली से। मोनिका बताइए क्या है बैठक और बैठक का एजेंडा क्या है।
जी आज कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन दिस इन्वेस्टमेंट की बैठक है 12 बजे के बाद, जिसमें कि वो कुछ अहम निर्णय दिस इन्वेस्टमेंट से ले सकते हैं। तो सरकार ने अभी हाल ही में बजट में वित्त मंत्री ने बोला था कि वो कुछ चुनिंदा कंपनी में अपनी जो हिस्सेदारी है वो 51% से कम रखना चाहते हैं। तो आज इसी दिशा में वो अहम चर्चा करेंगे और इसी सप्ताह सूत्रों की माने तो वो कैबिनेट की मंजूरी मिलने की हमको एक्सपेक्टेशंस हैं। और इसके साथ ही साथ इस हफ्ते भारत 22 ETF का जो नेक्स्ट ट्रेंच है वो भी लॉन्च होने वाला है। और इस जो ट्रेंच में जो भारत 22 ETF में जो कंपनियां हैं वो नैल्को, गेल और जो इंडियन ऑयल जैसी कंपनियां हैं, तो इनमें 51% से कम स्टेक करने को लेकर अहम डिसीजन हो सकते हैं। और इसके साथ ही साथ कुछ 5 CPSEs में स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर भी चर्चा होगी। पर ये जो डिसीजन है ये कैबिनेट में अगले सप्ताह जाने की एक्सपेक्टेशंस हैं। ओके, तो ये है आज की अहम बैठक जहां पर डाइवेस्टमेंट के रोड मैप पर विचार किया जाएगा, किन कंपनियों का कितना डाइवेस्टमेंट किया जाए इस पर सेक्रेटरीज अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं। और अगली कैबिनेट की बैठक जिसकी संभावना है बुधवार को होने की, हो सकता है उसमें कुछ फैसला हो ना हो, उस फैसले के लिए आज पूरा ग्राउंड वर्क किया जाएगा। शुक्रिया मोनिका पूरा अपडेट देने के लिए। आइए शामिल करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स को। हमारे साथ है हमारे स्टूडियो में संदीप वागले साहब, कुणाल जी और राकेश जी दिल्ली से जुड़ चुके हैं, सुमित जी भी हमारे साथ हैं इस वक्त, और जयपुर वाले जैन साहब भी। आप सबका स्वागत है और सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए शुरुआत करते हैं पिक ऑफ द डे के बिगुल के साथ। और सिमी जी सोच रही होंगी सबका तो स्वागत कर दिया, मेरा नाम बोला ही नहीं, तो सिमी जी आपका विशेष स्वागत है, विशेष शुभकामनाएं, क्योंकि जो दुर्गा पर्व आपके कोलकाता में और बंगाल में मनाया जाता है वैसा तो हिंदुस्तान में कहीं होता नहीं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले और सबसे ज़्यादा आपको शुभकामनाएं। और शुरुआत आप ही के साथ पिक ऑफ द डे की, बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, आपका पूरा टीम को और हमारे दर्शकों को और हमारे को एनालिस्ट को सबको ढेर सारे बधाई, ढेर सारे शुभकामनाएं दुर्गा पूजा के लिए। कलकत्ता में फेस्टिव सीजन तो ऑलरेडी चालू हो चुका है आज से, और मुझे लगता है कि ये अभी एक महीने तक चलेगा। जो भी है, मार्केट में आज मैं खरीदारी का ही कॉल लेके आई हूँ, और मेरे तरफ से मार्केट में एक पहला जो स्टॉक होगा आज के दिन के लिए वो होगा रिलायंस। रिलायंस में 1300 का ऊपर का क्लोजिंग आया था उस दिन, तो मुझे लगता है कि रिलायंस अभी भी चलेगा। जब तक यह 1300 के ऊपर मेंटेन करता है, कोई भी डिप यूज़ कीजिए खरीदारी करने के लिए। इनफैक्ट 1300 से 1295 ये जो रेंज है ये सपोर्ट रेंज होगा रिलायंस के लिए। जब तक इस रेंज से ऊपर है रिलायंस, डिप में खरीदारी करने का सलाह होगा। 1290 के नीचे स्टॉप लॉस होगा, और 1322 का पहला टारगेट, 1330 का दूसरा टारगेट, इंट्राडे का ये दो टारगेट्स होगा, फ्यूचर्स का लेवल्स मैंने दिया है। ओके, तो रिलायंस में खरीदारी करने की राय। सुमित जी आपकी पिक, आप भी खरीदेंगे कुछ? गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग। सबसे पहले तो नवरात्रि की जी बिजनेस की पूरी टीम और सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब से एक फेस्टिवल का माहौल स्टार्ट हो गया, और अब आने वाले कुछ महीनों तक कंटिन्यूसली फेस्टिवल चलेंगे, तो उम्मीद है कि इस फेस्टिवल्स के साथ साथ जो बाहर आएगी लोगों की लाइफ में, वैसी बाहर हमको मार्केट्स के अंदर भी देखने को मिलेगी, और आने वाले महीनों में हमें नए लाइफ टाइम हाई लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ जो आज का पिक है वो बाय साइड का है। जो आज का पिक ऑफ द डे है उसके अंदर हमने स्टॉक को जिसको सिलेक्ट किया है वो है ऑटो स्पेस का। ऑटो स्पेस में यहाँ से रफ्तार पकड़नी चाहिए, और हीरो मोटोकॉर्प कंपनी हमको ऐसा लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से परफॉर्म करना चाहिए। पिछले कई महीनों से स्टॉक ने परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है, लोअर लेवल से जस्ट इसने पुलबैक और बाउंस बैक देके तेजी करने की शुरुआत करी है, और अभी ये स्टॉक ने 200 DMA के ऊपर सस्टेन करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये स्टॉक का ट्रेंड रिवर्सल बन गया है, और ये स्टॉक आने वाले दिनों में यहाँ से एक अच्छा अपमूव दिखाएगा। आज के लिए भी ऐसा लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प में यहाँ से एक अपमूव देखने को मिलना चाहिए। कल की जो क्लोजिंग थी और कल का जो हाई था, जैसे ही वो टूटता है 2778 का, तो उसके ऊपर हमें एक अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा, और जिसमें 2850 से लेके 2900 तक के लेवल्स हमको हीरो मोटोकॉर्प में देखने को मिल सकते हैं। तो 2650 के स्टॉप लॉस से हीरो मोटोकॉर्प में लॉन्ग पोजीशंस बना के चलने की सलाह रहेगी। और टारगेट्स क्या है एक बार फिर से बताएं। का स्टॉप लॉस रहेगा हीरो मोटोकॉर्प में, ऊपर में टारगेट्स रहेंगे 2850 और 2900। ओके, 2850 2900 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। आइए
कुणाल जी और राकेश जी से भी पूछ लेते हैं उनकी पिक्स। राकेश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी पहले तो नवरात्रि की जी बिजनेस की एंटायर टीम को सारे व्यूअर्स को हार्दिक शुभकामनाएं। और अनिल जी मेरा जो पिक है, जो भी आपने कमेंट्री में बोला कि कैश स्टॉक्स में कोई खतरा नहीं है, तो मेरा पिक कैश सेगमेंट से है, KEI इंडस्ट्रीज। अनिल जी अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक गया है, बढ़िया फंडामेंटल है, फंडामेंटली देखें तो डेट कम हुआ है। और अगर आप पिछले 5 साल की अनिल जी इसकी कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो लगभग 73% आती है, और 3 साल का ROE देखें तो 25% आता है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या अनिल जी, जब अभी पिछले बजट में FPI पे टैक्स बढ़ा था तो यहाँ पर FPI की सेलिंग देखने को नहीं मिली, और FPI की होल्डिंग 12% है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 15% है। इस बाजार के अंदर एक अनचार्टेड टेरिटरी में गया है मिड कैप स्टॉक, तो मुझे तो रीरेटिंग का कैंडिडेट लगता है। लंबी अवधि का नजरिया बना के खरीदें, और किसी का शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो 515 का स्टॉप लॉस, 592 का टारगेट, KEI इंडस्ट्रीज को खरीदने की राय है। ओके, KEI इंडस्ट्रीज यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, 592 का टारगेट है, 515 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कुणाल जी आपकी राय कहाँ पे है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग संदीप जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी, सबसे पहले आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। और अनिल जी मेरी भी खरीदारी की राय है, कैश मार्केट का एक शेयर है, काफी शोध के बाद ये शेयर मैंने खोजा है, और इस स्टॉक में अगर अनिल जी देखें तो चार्ट पर एक क्लियर ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहा है। और दूसरी बात ये कि इसके फंडामेंटल्स बहुत मजबूत दिखाई दे रहे हैं। इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखें अनिल जी, तो 34-35 की रिटर्न ऑन ROE है पिछले 3 सालों की, तो बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। स्टॉक है VST इंडस्ट्रीज, जिसमें कि 3700 रुपए के ऊपर एक ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहा है, तो मौजूदा स्तरों पर खरीदारी की राय है। 3700 पर एक स्टॉप लॉस रखें, पहला टारगेट 3950 का और दूसरा 4100 रुपए का होगा, तो लगभग मुझे लगता है कि 4000-4100 के लेवल्स इसमें आते हुए दिखेंगे। बेहतरीन फंडामेंटल्स है, मौजूदा स्तरों पर खरीदारी की राय। ओके, 3770 पर है VST इंडस्ट्रीज, और इसे खरीदना वजीर सुल्तान टोबे को। जैन साहब यही है ना, वजीर सुल्तान टोबे को, ये तो आपने सिखाया हमारे को, पहले हमें पता नहीं था एकदम बराबर से। बिल्कुल अनिल जी, आपकी याददाश्त की तो वाकई में दाद देनी पड़ेगी, मुझे लग गया था कि ये आने वाला है, और वजीर सुल्तान टोबैको, और ये याद है मुझे जब मैंने ये बोला था, और कुछ ही महीनों की बात है, मार्केट इतना ख़राब था मगर ये 2800-2900 पे अपने चैनल पे रेकमेंड किया गया था, उसके बाद 3500 पे प्रॉफिट बुकिंग भी करवाई, वापस से नीचे आया और वापस अब ये चलने लगा। और कुणाल जी बहुत सही कह रहे हैं, जो फंडामेंटल्स इस कंपनी के वो वाकई में लाजवाब है, अच्छे क्वार्टरली नंबर्स आ रहे हैं, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी, उसके सामने आप देखिए जिस तरीके से बाकी सिगरेट स्टॉक्स हैं उनकी काफ़ी वैल्यूएशन हायर्ड है, तो मुझे लगता है कि ये VST वजीर सुल्तान टोबैको जो एकदम उससे आप रिलेट कर सकते हैं हैदराबाद से, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक आराम से 4000 के लेवल्स तो बहुत ईजिली क्रॉस करेगा, और अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए ये होल्ड करने वाला स्टॉक है, कहीं डरने की बात ही नहीं है। कुणाल जी आप कुछ कहना चाहते थे? अनिल जी देखिए, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, मैंने वीकेंड पर आपका इंटरव्यू देखा जिसमें आपने प्रियंका चोपड़ा जी का इंटरव्यू किया है, तो देखकर अनिल जी बहुत दिलचस्प इंटरव्यू था, बहुत आनंद लेकर के आप सवाल कर रहे थे। मेरा सवाल आपसे अनिल जी ये है जी, कि आपके जो टी शर्ट का कलर है अनिल जी, और उनकी जो ड्रेस का कलर है, वो एक कैसे हुआ, मतलब ये कोऑर्डिनेटेड था पहले से या पहन के? तो मैं दूसरे कलर के अपने आप बदल गया होगा सर वहां पे। प्रियंका जी को देख के बदल भी सकता है कलर। नहीं, ये कोइंसिडेंस ही था। कोइंसिडेंस ही था। और अच्छा, चलो आपको इंटरव्यू अच्छा लगा तो बढ़िया है। इंटरव्यू में क्या मतलब, मेरे सवाल अच्छे लगे या उनके जवाब अच्छे लगे आपको? नहीं अनिल जी, आपका अंदाज मुझे सबसे अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात ये, देखिए आप जिस तरह सवाल हमसे करते हैं कि स्टॉप लॉस छोटा है बड़ा करो, और टारगेट तुम्हारा बड़ा छोटा है बड़ा करो, तो जिस अंदाज से आप हमसे बात करते हैं और जिस अंदाज से आपने प्रियंका चोपड़ा जी से बात की, उसमें जो अंतर है वो देख करके अनिल जी बहुत मजा आया। ये तो मतलब आप में और मैं ज़्यादा फर्क नहीं है, आप भी उतने ही बड़े सेलिब्रिटीज हैं। चलिए अच्छी बात है। जैन साहब आपकी पिक्स, आज आपको एक से ज़्यादा पिक्स देने की छूट है। ओह थैंक यू अनिल जी, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट देखिए, ये हफ्ता मुझे ऐसा लगता है अनिल जी कि ये PSU स्टॉक्स का रह सकता है, और ऑलरेडी एक भारत ETF भी आ रहा है,
इनफैक्ट बिल्कुल मैं तो राय दूंगा कि इसमें पैसा लगाए और एक अच्छा PSU स्टॉक का IRCTC जो कि टूरिज्म की, अब देखिए कॉक्स एंड किंग्स खत्म है, थॉमस कुक की हालत ये है और कोई दूसरी कंपनियां है नहीं, एक इंडियन इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस जरूर है जो पहले भी मैंने काफ़ी बार रेकमेंड किया हुआ है, बट ऐसा लगता है कि ये स्टॉक एक अच्छा, और जो सरकार का फोकस है ओवरऑल टूरिज्म के ऊपर और PSU है, सर्विस प्रोवाइडिंग है, ऑनलाइन है, सारी कुछ इसके साथ जाती है और जो अभी ओवरऑल जो वेबसाइट्स पे ग्रे मार्केट के प्रीमियम्स दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि IRCTC के IPO में बिल्कुल लोगों को पैसा लगाना चाहिए। और दूसरा भारत 22 ETF है, वहाँ पे लगाना चाहिए। CPSC ETF के बारे में लास्ट वीक बात की थी, वहाँ पे बिल्कुल पैसा लगाए। एक और अच्छी बात है कि उसका जो जो लोग ऑप्शंस में राइटिंग करते हैं उसको ले लें और उसके सामने जो मार्जिन है हेयर कट बहुत ही कम लगता है और अच्छा मार्जिन का बेनिफिट मिलता है, तो ये हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी बना रखी है और बता रखी है लोगों को, तो ये भी काम करवाते हैं। और स्टॉक है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे है और जो भी ये इस हफ्ते जो मीटिंग्स हैं उनका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है, ये भी आने वाले सालों में हो। फिर दूसरा है पेपर स्टॉक्स, इस हफ्ते काफ़ी दिनों से मैं रेकमेंड करते आ रहा हूँ, मैंने JK पेपर की बात की, वेस्ट कोस्ट पेपर की बात की, वहाँ पे ध्यान देना चाहिए, मुझे JK पेपर पे कन्विक्शन ज़्यादा आता है, सबसे बड़ी कंपनी है और बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स है और पुरानी कंपनी है, तो वहाँ पे ध्यान दे। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी काफ़ी हलचल में रह सकते हैं, जिस तरीके से अब फेस्टिव डिमांड शुरू होगी, गाड़ी के साथ स्कूटर्स की बात चल रही है और मुझे लगता है टू व्हीलर और ऑलरेडी हीरो मोटोकॉर्प की बात कर ही रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। और एक लॉजिस्टिक्स स्टॉक है VRL लॉजिस्टिक्स, सो कुल मिला के इंजीनियर्स इंडिया, JK पेपर, VRL लॉजिस्टिक्स। चलिए, तो EIL सरकारी कंपनियों में, इसके अलावा IRCTC और भारत 22 ETF में तो पैसा लगाने की बात कर ही रहे हैं, लेकिन स्टॉक्स में EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, पेपर स्टॉक्स में JK पेपर और लॉजिस्टिक्स में VRL लॉजिस्टिक्स, ये तीन स्टॉक्स हैं जो कि उनका मानना है कि यहाँ से अच्छा खासा दम इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। चलिए अब चलते हैं वागले जी के पास। वागले जी, गुड मॉर्निंग, पहले तो आपको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, आपका पिक ऑफ द डे आज। गुड मॉर्निंग संदीप, गुड मॉर्निंग अनिल जी, आपको, आपकी टीम को, सारे दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है निफ्टी का जो जंप आया है अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन का दौर चलेगा, मेरा व्यू बिल्कुल भी बेरिश नहीं है, लेकिन 11,400 11,700 में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, ये नहीं होगा कि 12,201 में चलेगा, वो कितना टाइम होगा देखना पड़ेगा, मेरा आज का सेल कॉल है, लेकिन मेरा निफ्टी पे व्यू बुलिश है और बेचना है PEL। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आएंगे दोनों तरफ, इसमें पैटर्न क्लियर है, 1727 का क्लोज है, मेरा 1751 का स्टॉप लॉस होगा और 1656 का एक से दो दिन का टारगेट होगा। इसमें एक चीज मैं कहना चाहता हूँ आपको, वो ये कि ये शुक्रवार के दिन काफी गिरा था स्टॉक, राइट, इसलिए आपका सेल सिग्नल आया होगा और उसमें उस दिन खबर ये चली थी गुरुवार शुक्रवार को कि सॉफ्ट बैंक इसमें $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, वो नहीं कर रहे हैं, उनके वो चाहते थे कि आपका बिजनेस मॉडल होलसेल फंडिंग से रिटेल फंडिंग में लेके आओ। तो वीकेंड पे अजय पिरामल साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो खबरें चली वो गलत है, हमारी बातचीत अभी भी चल रही है, तो हो सकता है एक बार इसकी वजह से गैप से खुले, हो सकता है ना, क्योंकि खबर ये है, तो ऊपर के लेवल पे आपको बेचना ये ध्यान में रखिए, और वो लेवल क्या होगा तो बाजार खुलने के बाद मैं एक बार फिर से वागले साहब से पूछ लूंगा। मुझे याद है फ्राइडे को आपने शॉर्ट करने की राय दी थी। हाँ, मैंने दी थी फ्राइडे को, मैंने भी दी थी शॉर्ट करने की राय, तो आपका सिग्नल एकदम सही है, चार्ट में क्लियर, हाँ परफेक्ट है, सिग्नल गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि न्यूज की वजह से स्पाइक आ सकता है, इसलिए आप ऊपर का इंतजार करें, क्योंकि जब उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया तो उसकी वैल्यू करनी पड़ेगी हमें, राइट। आइए, लेकिन आज बहुत कुछ एक्शन है आपके लिए जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो आज क्योंकि पूरी टीम हमारे फुल फोर्स में है, सारे के सारे एक्सपर्ट्स हैं, तो हमने कहा आज से बढ़िया दिन हो नहीं सकता, जब जैन साहब भी हो, वागले साहब भी वापस आ गए हैं, तो आज से वागले साहब आपका इंतजार कर रहे थे हम 9:45 का, आज बता दें आपको क्या होने वाला है 9:45 पर, पहले प्रोमो देख लीजिए फिर बताते हैं आज के मेहमान कौन है, जरा बताइए 9:45 पर आज क्या होने वाला है। बात कमाई की, सवाल बॉलीवुड का। अनिल जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरा सवाल मिस्टर अनिल सिंघवी से ये है। अनिल जी, इन्वेस्ट का करना चाहिए? हाय अनिल सिंघवी, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। हाय अनिल जी, मेरा एक सवाल है, मेरे पास 3 छोटे बच्चे, एंड आई वांट टू नो एज अ मदर मैं कहाँ इन्वेस्ट कर सकती हूँ। तो सलाह सिर्फ अनिल सिंघवी की, मार्केट गुरु से पूछिए सिर्फ जी बिजनेस पर। तो अगले साहब, आपने तो ये देखा नहीं होगा। अच्छा अनिल जी, आप जी। आज के बाद मैं आपको अनिल जी नहीं कहूंगा, तो
मैं आपको गुरु जी कहूंगा वैसे भी मैं कहता हूं। नहीं नहीं, ये तो पता नहीं लोगों ने कैसे नाम दे दिया। मैं अनिल ही हूँ, अनिल जी भी नहीं हूँ। एक तो सब लोगों ने जी बोल बोल के मुझे सीनियर बना दिया मेरा, मतलब मेरी उम्र इतनी ज्यादा है नहीं वैसे देखा जाए। आप फील करने लगे ना? ना, नहीं करता बिल्कुल नहीं जी। ओके, तो आज कह दीजिए ना जो कह रहे हैं। आज सोनाक्षी सिन्हा है जिनका हम सवाल लेंगे, और उनकी वो पूछेंगे कि उनकी आज फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की जाए, तो उनका सवाल आज लिया जाएगा। तो 9:45। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज दिखते हैं। हमारे यहाँ ये चैनल हमारे दर्शकों का चैनल है, और आप भी जी बिजनेस पर दिखना चाहते हैं तो नवरात्रि के संग मनाइए जी बिजनेस के संग। सोशल मीडिया पेज पर आप अपनी फ़ोटो भेजिए, हम आपकी फ़ोटो टीवी पर दिखाएंगे। लेकिन ये फ़ोटो है ना, वो या तो देवी की पूजा करते हुए की होनी चाहिए, या ट्रेडिशनल ड्रेस में होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा लगना चाहिए कि नवरात्रि आप मना रहे हैं, वो फील आना चाहिए। नवरात्रि की फीलिंग के साथ आप अपनी, अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की डांडिया खेलते हुए, गरबा खेलते हुए, पूजा करते हुए कुछ अच्छी सी तस्वीरें भेजिए जो हम आपको दिखाएं। आज दिन पर आपके लिए बेहद खास आयोजन भी है। संदीप बताइए आज क्या क्या आयोजन है? आज 9:45 से एक तो हम ये जो नवरात्रि से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं वो आपके सामने रखेंगे हर रोज। हाँ, रोज ये हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे नवरात्रि स्टॉक्स। ये देखिए आप 9:45 पे रोज आपके सामने रखेंगे, जब तक नवरात्रि चलेंगे वो हम आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा नवरात्रि के 9 रत्न ये भी तो बनते हैं, ये हम हर आधे घंटे आपके सामने रखेंगे। 10 बजे से इसकी शुरुआत करेंगे और हर आधे घंटे तक जब बाजार खुला है तो उसके दौरान आपके सामने हर आधे घंटे में जो 9 स्टॉक्स हैं वो जो देवी के अलग अलग रूप हैं माता के, उससे जुड़ा हुआ जो अलग अलग रूप की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उनसे मेल खाती हुई जो बातचीत है, वैसे कुछ स्टॉक्स जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। ये 2 स्पेशल चीज़ें हैं। और दोपहर 12 बजे भी एक स्पेशल है। जी हाँ, कॉरपोरेट रार में आप अगले 9 दिनों तक नवरात्रि में हर रोज एक महिला शक्ति का इंटरव्यू देखेंगे। जी हाँ, हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल इंटरव्यू करेगी। आज इस कड़ी में HDFC लाइफ, जो बेहतरीन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उनके MD CEO विभा पडलकर, उनका इंटरव्यू होगा। तो जिन महिलाओं ने कॉरपोरेट क्षेत्र में बड़ा नाम कमाया है, बड़े अच्छे काम कर रही हैं, उनको हम सम्मानित भी करेंगे, उनका इंटरव्यू भी करेंगे। तो बहुत कुछ एक्शन है जो आपको देखना है।